सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ प्रोपोगंडा है, होगी सर्जिकल स्ट्राइक होती होगी। इसने इतना बदतमीजी से बोला है और इसका थप्पड़ मारने का काम क्या ब्लडी नॉनसेंस, क्यों क्या बोलना तरीका दिया नॉनसेंस, ये बदतमीज आदमी। और आज तक कोई एक सर्जिकल स्ट्राइक बता दो तो 2014 से पहले हुई हो। सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ प्रोपोगंडा है, होगी सर्जिकल स्ट्राइक होती होगी, लेकिन उसको यूज किया जाता है लोगों को बताने के लिए, जो नहीं बताना चाहिए उसको सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए यूज किया जाता है। एक मिनट, एक अच्छा पत्रकार, ये आदमी इसको एज का भी नहीं है शर्म, इसको इसने इतना बदतमीजी से बोला है और इसका थप्पड़ मारने का काम क्या ब्लडी नॉनसेंस, क्यों क्या बोलना तरीका दिया नॉनसेंस, ये बदतमीज आदमी। आर्मी के बारे में बोलता है ब्लडी नॉनसेंस, सुनिए ये ब्लडी नॉनसेंस, और कहता है स्ट्रेटजी है प्रोपोगंडा है, शर्म नहीं आती है हमारा, ये मतलब कहने का, हमारा और कोई मतलब नहीं है आर्मी को प्रोपेगेंडा बताता है। मैं ये बताने देना चाहता हूँ, ये है ना इतने गिर चुके, ये आर्मी चीफ को गली का गुंडा बताते हैं ये, ठीक है। जब ये कश्मीर से पत्थर खा रहे थे, वही तो कश्मीर से पत्थर खाते हैं, तब ये सही थे, जब हमारे सैनिक कश्मीर से पत्थर खा रहे थे। भाई आर्मी है तो हम लोग है, वरना हम लोग कभी नहीं है, ठीक है। कौन मोरक्को, मोनाको कंट्री है, 5000 की पॉपुलेशन है, वो आर्मी की वजह से खड़ा हुआ है। एक चीज पूछना चाहता हूँ, ठीक है, ये सर्जिकल स्ट्राइक को एक प्रोपेगेंडा मान रहे हैं मनमोहन सिंह की सरकार में, क्या एक मिनट जी बोलने नहीं देते, दिक्कत ये है। तब अंकल जी को बराबर मैं आपके लाकर खड़ा कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि आप बोलने नहीं देते। चाचा अभी तुम्हारे गोली लग जाएगी ना, अभी तुम्हारे घर वाले सरकार का दोषी लगाने लग जाएंगे, उनसे सिफारिश भी लगाएंगे। क्यों तो किसका दोष है, दोष इसी शासन का है। मैं अभी शासन का सुन लो अंकल जी, मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये प्रोपेगेंडा था मनमोहन सिंह की सरकार में, सेना की गर्दन को काट कर फुटबॉल खेलता ले गया था, क्या वो सच था या नहीं था, उसमें कहां गए मनमोहन सिंह के प्रोपेगेंडा, क्यों नहीं हुआ उसको पाकिस्तानी का सेना के खिलाफ उसने कुछ कहा, क्योंकि गुंगा था, बहरा था वो, कांग्रेसी गुंगा था, लेकिन कर तो ये प्रोपेगेंडा था। अगर घर में हमने घुस के सर्जिकल स्ट्राइक किया तो प्रोपेगेंडा था, हमारे भारतीय सेना का गर्दन काट के लेकर चला गया तो वो प्रोपेगेंडा नहीं था। इसलिए आपके खिलाफ इनको खड़ा करूंगा, आपके खिलाफ इनको खड़ा करूंगा। स्ट्रैटेजी इसके बाप ने भी स्ट्रैटेजी दी, देखे होगी नॉनसेंस कहीं का, देश के अगेंस्ट, क्यों देश के अगेंस्ट जो बोलेगा उसको सारा नॉनसेंस साला, ये नॉनसेंस, ये ब्लडी नॉनसेंस है, ये ब्लडी नॉनसेंस है। वो उस पर सरकार को एक मानते हो, एक सरकार आज ना आज आज आपके घर परिवार इतने खुश नसीब है कि कश्मीर में तुम अपनी जमीन ले सकते हो, कश्मीर तक में अपनी जमीन ले सकते हैं। हाँ, 370 के बाद से तो क्लियर हुआ। ये बोल रहे हैं कि देश में जो है राम मंदिर बनने से क्या मिलेगा, 22 जनवरी को एक भी होटल, एक भी धर्मशाला वहाँ पर खाली नहीं है, इनको एक बार भेजा जाए वहाँ पर, ये वहाँ पर पता लगाए वहाँ की क्या पोजीशन है, अगर काम धंधा नहीं मिल रहा तो वहाँ पर बैठ जाए, इनको दाल रोटी चावल पूरा खाना मिलेगा, पूरे महीने बैठ के खाएं, मगर यहाँ पर आकर मोदी विरोधी ना बने। आप बताइए, सवाल ये है कि लोगों का कहना है कि राम मंदिर बनेगा तो क्या मिलेगा लोगों को? राम मंदिर बनेगा, सबको आर्थिक व्यवस्था मिलेगी, वहाँ पे मंदिर के चारों तरफ टूरिज्म बढ़ेगा, लोग वाग वर्ल्ड लोग मतलब वर्ल्ड लेवल पे लोग वाग यहाँ राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आएंगे, और कारोबार बढ़ेगा, जो भूखे भूखे मरते हैं ना, जो दर बदर के ठोकरे खाते हैं वो वहाँ पे जाके खाना खाएंगे, जो मोदी योगी को गाली देते हैं ना वो भीख मांगेंगे बैठ के, शाम का 2 टाइम का खाना मिलेगा उनको, और कई लोगों को, कई हिंदू भाइयों को, 100 करोड़ हिंदुओं को वहाँ पे रोजगार मिलेगा राम मंदिर बनने से। जब वो उस टाइम पे जब मतलब 24 वकील खड़े कर दिए थे कांग्रेसियों ने और बीजेपी के 2 वकील थे, तब कहाँ गए थे वो राहुल गांधी, आज कह रहे राम हमारे भी, राम तो सबके थे पहले, कोई काल्पनिक भी बता रहे हैं। और रही बात भाई, काल्पनिक भी मिलेगा, काल्पनिक तो वो भी है, राहुल गांधी अब पैदा हुआ है, वो तो 56 साल का युवा कहते हैं, अभी तो बच्चा ही है वो, उसका दिमाग भी बच्चा। अच्छा, जो ये समझ रहा है दोस्त, जो ये चीज समझ रहा है, जो इस देश में हिंदू मुस्लिम हो रही है, और हिंदू मुस्लिम माए हम लोग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैं सुन लो दोस्त, इसलिए अच्छा एक मिनट सुन लो,
भी 25 करोड़ मुसलमान के लिए 50 से ज्यादा पार्टियां खड़ी है और एक अकेली 100 करोड़ हिंदुओं के लिए ना सिर्फ एक बीजेपी खड़ी है, ये किसी को नहीं पता। बीजेपी खाली हिंदुओं के लिए नहीं खड़ी, बीजेपी हर इंडियन के लिए खड़ी है। और अगर मंदिर बनेगा तो खाली हिंदुओं को रोजगार नहीं मिलेगा, सभी को मिलेगा। तुम एक बात बताओ, वैष्णो देवी गए हो कभी? वहाँ पे खाली हिंदू ही है क्या भाई? हर चीज हर काम मुसलमान भी देते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी। लगातार भंडारा चलता है, सब लोग प्राप्त करते हैं। केदार भाई, केदार मेरा गाँव उत्तराखंड में है भाई, मैं बद्रीनाथ से हूँ। घोड़े को वहाँ पे चीलम गांजा पिलाया जा रहा था, घोड़े को उसके साथ मतलब व्यापार किया जा रहा था, मतलब एनिमल मूवी देखने जाते लेकिन एनिमल पे मतलब सवारी करके जाते हैं वहाँ पे। क्यों, मैं बता देना चाहता हूँ, इसलिए सारे अपनी युवा दोस्तों से बता देना चाहता हूँ, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखाएं भी परेशान हो जाए, गढ़ परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखाएं भी परेशान हो जाए, गढ़ परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, सूखे मेवे भी ये देख कर हैरान हो जाए, ना जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो जाए। ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालय को जानते हैं, जो भूखे पेट होते हैं सिर्फ निवालयों को जानते हैं। मेरा यही अंदाज जमाने को खलता है कि मेरा चराग हवा के खिलाफ क्यों चलता है। मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर में दंगे मत रहने दो, लाल और हरे में मत बांटो, मेरे छत पे तिरंगे रहने दो। मेरे छत पे तो तिरंगे रहना चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर तुम्हारे छत पे ये पेट्रोल बम और ये पत्थर रहा तो फिर नहीं छोड़ूंगा, फिर नहीं छोड़ूंगा। विपक्ष को लेकर इंडिया गठबंधन पे क्या कहना चाहिए? ये इंडिया गठबंधन जो है, देखिए अभी भी आपके सामने मैंने बोल दिया, दो मुद्दे ये छोड़ दे, एक तो चुनाव समाजवादी पार्टी में और कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, अच्छा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ही जो है ये परेशानी के लेते भाई, इंडिया गठबंधन नहीं है, IN.D.I.A. ये है वो। इस पे कहना क्या है जी, जो इस गठबंधन को बनाने वाले हैं वो कुछ बोलने लायक बचे नहीं, हम क्या बोलेंगे? हमें तो तुम खाली भारत के बारे में बोलने के लिए बोलो, कुछ और बोलना है तो इंडिया के अलावा कुछ भी पूछो, INDIA के अलावा इंडिया के बारे में पूछो, उसके बारे में पूछो, डॉट के बारे में। लोग कह रहे हैं कि अभी तो सेमीफाइनल है, अब तो फाइनल में कुछ और होने वाला है, प्रधानमंत्री अब क्या होगा, प्रधानमंत्री विपक्ष, अब तो खाली कांग्रेस के पास, मैंने पढ़ा कहीं कह रहे तेल लगाना बचा है, सोनिया गांधी कह रही हम ना तेलंगाना वालों ने तेल लगा लिया और जीत गई, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आ गई, तेल लगाया वहाँ पे तेलंगाना वालों ने खाली तेल लगाया वहाँ पे। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो सनातन धर्म को खत्म करने के लिए चाहते हैं ना, जैसे उदयनिधि स्टालिन कह रहे थे कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया है बीमारी है, एक पेड़ है, ये पेड़ है तुम्हारे सामने, ये जड़ है और इसके शाखे पत्ते जितने हैं ना ये मजहब और पंथ हैं, और अपने बाप को ही काटना चाहते हो जड़, अपने बाप का ही जड़ काटोगे, अपने बाप को ही काटोगे। अरे अगर मिटाना है तो सूर्य देव को जाके मिटाओ ना, तब मानोगे भाई सनातन को खत्म कर सकते हो तुम। और उदयनिधि की भाई से आपने बात करी, उदयनिधि उनकी खुद माता जी मंदिर में आकर खूब चढ़ावा चढ़ाती है, वो क्या अपनी माता के खिलाफ हैं? ऐसा वाला कि जो अपनी माता के खिलाफ जा रहा है और लोग उसको चढ़ा के मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उसके ऊपर कितने केस हैं? कभी गिनोगे? मेरे ख्याल 40 से ज्यादा हैं। 40 से ज्यादा बताओ, तमिलनाडु में हमारे उसके खिलाफ उसके जो भी है, पर उसको अपनी माता के खिलाफ जाना है क्या? एक बार वो यूं बोल दे, सनातन धर्म के बारे में तो छोड़ दे, वो खाली अपने माता के खिलाफ जाएगा क्या? अगर जा रहा है तो उसको तुम मुख्यमंत्री क्यों बना रहे हो भाई? राहुल गांधी अब मंदिर जा रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि सनातनी नहीं है, हम भी तो हिंदू हैं और हम जो है भगवान को मानते हैं। वो हिंदू कहाँ है, वो उसका खानदान मुसलमान, वो मुसलमान, हम भी भगवान को मानते हैं, वो जो तो जगह जगह मंदिर जा रहा है वो राहुल खान, और वो इस टाइम पे मतलब चुनाव के टाइम में उन्हें मंदिर याद आते हैं, 2014 से पहले वहाँ पे तो गीता कुरान पढ़ाए जाते थे, भगवद गीता रामायण तो कुछ पढ़ाया नहीं जाता था किसी हिंदुओं के बालक को, वो गीता कुरान पढ़ ले तो वो बढ़िया है, अगर रामायण अगर रामचरितमानस पढ़ ले तो पाप है। 2014 से पहले किस बच्चे को संस्कृत का पढ़ाया गया, किस गुरुकुल में पढ़ाया गया ये बता दो। ये जितने भी स्कूल इंग्लिश स्कूल है सारी है मतलब मुगलों की देन है और ये ब्रिटिशों की देन है, ये मुगलों की नहीं ब्रिटिश की। बिहार में जो है वो छुट्टियाँ जो है त्योहारों की रद्द कर दी गई हैं, उस पर क्या कहना है? बिहार का जो नीतीश कुमार है ना वो थुकी हुई बिरयानी खाने वाला, अरे तू हिंदू क्यों है, अरे मुसलमान ही बन जा, धर्म परिवर्तन ही कर ले तू यार, गुरु नानक जयंती का भी तू छुट्टी रद्द कर दिया, तूने सारे मतलब छुट्टी रद्द कर दी है मतलब हिंदुओं के, होली दीपावली और शुक्रवार को मतलब जुम्मे की रात जो मुसलमान भाई जाते हैं पढ़ने के लिए उनके लिए भी छुट्टी लगा दी, मतलब उनके लिए छुट्टी कर दी, और हमारे हिंदू त्यौहार के लिए छुट्टी मतलब रद्द कर दी उसने, ये क्या मतलब? नीतीश कुमार के बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, वो तो जी सदन में अगर ऐसी बातें करता है
क्या बोलते हैं, जिससे कि हम अपने परिवार के साथ नहीं बैठ के दे सकते, तो उस बंदे की आप कुछ भी अगर वो कर रहे हैं ना। इंडिया गठबंधन का तो प्रबल दावेदार थे वो प्रधानमंत्री। हाँ वो बिल्कुल प्रधानमंत्री बनेंगे, वो मरने के बाद मुझे लग रहा है कहीं जाके बनेंगे जहाँ उनको जाना। मतलब थोड़ा व्यवहार और उनका इंडिया गठबंधन का थोड़ा सा उनका सदमा लग गया है, उनके साथ उठना बैठना खाना पीना, तो जैसा खाए अन्न वैसे होए मन, जैसे का पिएगा पानी वैसे होएगी वाणी, तो वही नीतीश कुमार का यही वाणी हो गई है। तो ये जितने भी नीतीश कुमार जैसे लोग हैं ना, और ये बिहार आने वाले टाइम पे देखना इस्लामिक स्टेट ना बन जाए तो मेरा नाम बदल देगा, वहाँ के हिंदू नहीं जाके तो जातिवाद में बटने का ही। तो लेकिन राजनीति का चाणक्य कहा जाता है बिहार में। अरे चाणक्य कहाँ कहाँ जाता है, 6 महीने तो वहाँ पे मतलब जला दी गई थी नालंदा ये विश्व यूनिवर्सिटी जितना, तो नालंदा का जो इतना किताब सारे पुराण वेद पुराण जला दिए गए थे वहाँ पे जितने भी बिहार का। तो यार ये लगा लो बुद्ध और जैनों की धरती कहाँ जाती है। यूनिवर्सिटी में 3 महीने तक जली थी, 6 महीने तक जली थी, तब भी है ना ये समझ नहीं पाई ये लोग, नीतीश कुमार है ना ये बौखला गया है। फाइनली पूछूं तो आपका वोट किधर? बीजेपी। आपका वोट किधर? बीजेपी। मैंने बताया आपको 20 करोड़ मुसलमानों के लिए मतलब रक्षा के लिए 50 से ज़्यादा राजनीतिक पार्टी खड़ी, और 100 करोड़ हिंदुओं के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बीजेपी खड़ी है, तो मेरा वोट बीजेपी को ही है।